स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। आज मुझे अपना 43rd वेपन मिला है दोस्तों, जो कि है फ्लेम बियरर्स। काफ़ी महीनों बाद मुझे ये वेपन मिला है और फायर गार्ड का सबसे बेहतरीन वेपन यही है दोस्तों, एपिक से भी ज़्यादा बेहतरीन। यूनिक एबिलिटी जो है वेपन का, ओपोनेंट्स बर्न्स लॉन्गर्स, 10% शैडो डैमेज एक्स्ट्रा मिलता है हम लोगों को। ये वेपन इसलिए ख़ास है दोस्तों कि अगर आप रेजिंग फ्लेम्स लेते हैं और पेनफुल बंस लेते हैं और एक फ्लेम थ्रोवर अगर ओपोनेंट को लगता है तो कम से कम 10 सेकंड तक ओपोनेंट पे बर्निंग इफेक्ट रहेगा। और आपको मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में कि 2000 से ज़्यादा हेल्थ जो है एक इफेक्ट जो है फ्लेम थ्रोवर का वो खा लेता है ओपोनेंट का। ट्रायल काउंटडाउन, जैसे आप लोग लेवल 4 का टैलेंट देख रहे हैं, लेवल 2 रेजिंग फ्लेम्स है। अटैक डैमेज 485 है, डिफेंस 501 है, शैडो डैमेज 624 है। लेवल 10 पे पेनफुल बंस था, आप लोग नोटिस किए होंगे दोस्तों। और इस बार मैंने ट्रायल काउंटडाउन और क्रिटिकल मास भी लिया है इसमें, सिर्फ शैडो फ्लेम्स थोड़ा सा मैं सफल किया हूँ और अर्थ ऑन फायर भी। नॉर्मली मैं वही टैलेंट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वेपन के साथ हम लोगों को आग चाहिए, आग। पहला ओपोनेंट है हिंटाई पापी। हेलो 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 हेलो, शुरुआत होस्ट एक्टिवेशन से फायर गार्ड ने किया है। फाइट जान पहचान का है ये, मेरा फायर गार्ड का जलवा देखिए दोस्तों। आप लोग के लिए स्पेशल कर्तव्य मेरा फायर गार्ड दिखा रहा है। चलिए लड़ने हम लोग चलते हैं। रेंज वेपन ने गिरा दिया फायर गार्ड को और यहाँ मुंह से आग निकाला है। गौर फरमाइएगा टाइमिंग पे दोस्तों, ये वेपन कितना ज़्यादा इफेक्ट लंबा कर देता है बर्निंग का। जेट का हेल्थ पे भी गौर फरमाइए दोस्तों, ऑलमोस्ट जेट का 1200 हेल्थ ख़त्म हो गया। यहाँ पे स्पेशल बेसिक कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे जो फायर गार्ड का स्पेशल शैडो मूव है वो भी कनेक्ट हुआ है। एक जंप किक, एक फायर फ्लेम थ्रोअर और ये जेट ख़त्म है दोस्तों। हम लोग वेट करेंगे थोड़ा और हंसते हंसते ये जेट ख़त्म हो गई। चलते हैं उसके अगले हीरो की तरफ। मतलब एक फ्लेम थ्रोअर लगना चाहिए ओपोनेंट को दोस्तों, और उसके बाद आप एक शैडो मूव कर दो या एक हिट कर दो, ओपोनेंट ख़त्म है। लिंग है नेक्स्ट, डिफेंस लिंग का भी काफ़ी मजबूत है, लगभग 5000 के करीब है। फाइट, शुरुआत फ्लेम थ्रोअर से, गौर फरमाइएगा दोस्तों हेल्थ पे खाली। फर्स्ट मैच में क्या हुआ था कि बगैर कोई इफेक्ट के हेल्थ जो है खत्म हो गया था दोस्तों सिर्फ 1200, और यहाँ पे देखिए 50% जो हेल्थ है थोड़े से कॉम्बोज के साथ खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पे सदर्न ट्रिक कनेक्ट हो गया है। उप्स, एक और फ्लेम थ्रोअर और ये लिंक भी जो दोस्तों जलते जलते हार जाएगा। जी हाँ, चोक एंड गॉन। चलते हैं एक और हीरो की तरफ। काफ़ी मज़ेदार मैचेस है दोस्तों फायरगार्ड के साथ। नेक्स्ट है मिडनाइट द एग्जीक्यूशनर हेराल्ड टैलेंट के साथ, साथ में सर्वाइवल कोर्स भी है। होस्ट एक्टिवेशन फाइट, स्पेशल किक से शुरुआत किया मैंने, फ्लेम थ्रोअर मिस हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, ये बर्निंग और डैमेज का एक्सप्लोजन जो है देखिए क्या भयंकर है। और ये देखिएगा दोस्तों, जलते जलते मिनटाइट भी हार जाएगी। जी हाँ, चलते एक और अपोनेंट की तरफ। चलते हैं अगले ओपोनेंट की तरफ, जो कि है कैप्टन वाइटी। फायर गार्ड लिया है उसने और टैलेंट्स पे गौर फरमाइए दोस्तों, सेम है, इफेक्टिव फ्लेम थ्रोअर है, लेकिन इसने ट्रायल काउंटडाउन, क्रिटिकल मास, हीटिंग इंजन्स और पेनफुल बंस लिए हैं। मेरे में सिर्फ इफेक्टिव फ्लेम थ्रोअर है एक्स्ट्रा टैलेंट, जो हीटिंग इंजन्स के बगल में है। दोनों के पास सेम वेपन है दोस्तों, और देखिए मेरा जो फ्लेम थ्रोअर है वो कनेक्ट हुआ और डैमेज पे गौर फरमाइए दोस्तों। मेरे ख्याल से जी हाँ, ये देखिए एक हिट जो है क्रिटिकल मास में दोस्तों, सॉरी पेनफुल बंस में क्या डैमेज देता है, और ये वेपन जो है गजब आग लगाता है, वाओ। और ऑलमोस्ट ये अपोनेंट ख़त्म है, जी हाँ दोस्तों, सरेंडर भी कर दिया इसने। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ। अगला अपोनेंट है DRRRFF। शुरुआत उसने जनरल मार्कस से की है, टैलेंट पे गौर फरमाइए। शैडो वॉरियर है, साथ में शैडो लॉर्ड भी है, ऑल कंज्यूमिंग केओस है, एक्सप्लोजिव विल है और
हीलिंग इनविंसिबिलिटी है। बेसिक अटैक फायर करता काफ़ी फास्ट है दोस्तों बेसिक अटैक। और एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ दोस्तों, रेंज्ड वेपन सिर्फ दो हीरोज का मार्कर्स का ग्लिच मोड जो है रोक सकता है, एक फायर गार्ड का फ्लेम थ्रोर और एक होंगजू का ब्लेजिंग बाइट। और यहाँ पे गौर फरमाइए दोस्तों कितनी जल्दी ये मार्कर्स जो है ख़त्म हो गए हैं, मानना पड़ेगा फायर गार्ड का जलवा को। अगला उसका कौन है, अगला उसका आयरन क्लैड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टैलेंट हाइपेन थ्रेशोल्ड है, नॉकआउट टैलेंट भी लिया है, साथ में शेडो रेस्पाइट भी है और लाइक अ रॉक टैलेंट भी है। एक्टिवेटिंग होस्ट फाइट, स्पेशल किक से शुरुआत किया, काफ़ी सही रहता है आयरन क्लैड के सामने। स्पेशल किक सिर्फ दो के पास है, कीबो और फायर गार्ड। ये नीचे वाला शेडो मूव फायर गार्ड का काफ़ी इफेक्टिव है दोस्तों। नीचे वाला जो शेडो मूव है फायर गार्ड का दोस्तों, वो हेलगा का रिपेंटेंस को भी डॉज कर सकता है, काफ़ी अटैक्स को डॉज करने में वो माहिर है। और जी हाँ दोस्तों, एक ब्लास्ट का इफेक्ट देखिए, और मेरे ख्याल से ये फायर गार्ड ने आयरन क्लैड को हरा दिया है, जलते जलते हार गया है। ये देखिए जलन दोस्तों, अभी तक जल रहा है बगैर किरासन तेल के। नेक्स्ट कीबो है शेडो सुपर मेसी, बाकी सारे टैलेंट सेम है, मास्टर है अनस्टॉपेबल ऑनस्लॉट, एक्सेलेंस और फियर्स ऑनस्लॉट। जिन बोतल में घुस गया है फायर गार्ड के, फायर गार्ड जिंदा हो गया। ट्रायल काउंटडाउन से ब्लास्ट करने की कोशिश करेंगे और लगता है बच जाएगा दोस्तों। यहाँ मैं बहुत दूर था, उप्स 1000 कट भी लग गया मुझे, थोड़ा सा होशियार रहना होगा। ये अप मूव लेकिन मिस हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिएगा आप डैमेज, एक फ्लेम थ्रोअर और डैमेज पे गौर फरमाइए दोस्तों, ख़त्म। एक्सेलेंस एक्टिवेट हो गया है और मेरे ख्याल से ब्लास्ट में ख़त्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ख़त्म है। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट है मराठास, शुरुआत उसने केट से किया है। स्किलफुल लिक्विडेटर है, सामने कूप द ग्रेस है, लिजनरी असॉल्ट है, लिक्विडेटर टेनेसिटी है और नेवर सरेंडर टैलेंट है, साथ में ट्रेंचेंट ऑब्सीडियन वेपन भी। फाइट, एक फ्लेम थ्रोअर, और गौर फरमाइएगा दोस्तों हेल्थ पे, लगभग 10 सेकेंड हो चुका है और अभी तक बर्निंग इफेक्ट है दोस्तों, और 70% हेल्थ खत्म है, मानना पड़ेगा। इस वेपन को एपिक होना चाहिए था दोस्तों, और जो नॉर्मल इसका जो एपिक वेपन है फायर गार्ड का, उसको रेयर वेपन होना चाहिए था। जैसे मंकी किंग का एओ बॉन्ग्स गिफ्ट है दोस्तों, सेम उसी टाइप का ये वेपन भी है। उसमें क्या है कि 10% उसमें जिंगू डैमेज ज़्यादा मिलता है, लेकिन फ्लॉलेस जेट उसका एपिक बेहतर है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एपिक और रेयर का डिफरेंस होता है वो फायर गार्ड के वेपन में हम लोग को नज़र आता है। ब्लास्ट से केट जो है हार गई है। चलते उसके अगले हीरो की तरफ, जो कि शेंग द मोंग होने चाहिए बिल्कुल, और स्टाइल ऑफ द वाइपर है, यानी प्लेयर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टाइल ऑफ द वाइपर के लिए दोस्तों स्किल्स चाहिए। स्टाइल ऑफ द ड्रैगन से कोई भी कॉम्बोज बना लेगा, लेकिन वाइपर से बहुत मुश्किल है। फाइट, टैलेंट्स बताना भूल गया, हालांकि स्काउट एरो लिया है इसमें, और शैडो जेनेसिस है, स्टाइल ऑफ द वाइपर है, ट्रांस है और ग्लूमी एक्सप्लोजन भी है। लेकिन हम लोगों को एक ओपनिंग का सिर्फ ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे लो अटैक किया मैंने, उप्स स्कॉर जैरो का इफेक्ट, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, शेडो मूव कनेक्ट हुआ लेकिन चलाक है, और एक हैवी ने काम तमाम कर दिया दोस्तों, बहुत लाजवाब। चलते उसके आखिरी हीरो की तरफ, युक्का रानी है बड़ी वाली हमारी, मिस हो गया फ्लेम थ्रोअर, और ये क्रिटिकल था, मेरे को वहाँ पे हैवी करना चाहिए था दोस्तों, कभी कभी रिफ्लेक्सेस जो है आपका काम नहीं करता है, और अपोनेंट अपना रंग दिखा रहा है। उप्स, जरा सा दोस्तों अगर मौका मिल जाता तो युका ख़त्म थी वहीं पे, ये
इजी ग्रैब का मौका और मेरे ख्याल से ब्लीडिंग इफेक्ट जो है फायर गार्ड को परेशान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, फायर गार्ड यहाँ पे मेरा ब्लास्ट होने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग क्लैट से फटाफट ख़त्म करते हैं। ग्रैंड एंट्रेंस के साथ एंट्री ली है क्लैड ने। लॉलीपॉप चुसाने के लिए तैयार, लेकिन मिस हो गया पहला लॉलीपॉप दोस्तों। कोई बात नहीं, ग्रैब करने का मौका। लॉलीपॉप तैयार है फिर से, इस बार चुसाएंगे हम लोग दोस्तों। और एकदम स्पॉट पे युक्का को चुसा दिया है लॉलीपॉप। युक्का काफ़ी खुश है, बोल रही है ये ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मेहमान नवाजी मुझे काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पे शैडो मूव से युक्का ख़त्म है। आशा करता हूँ दोस्तों फायर गार्ड के ऊपर ये वेपन वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगा एक नया वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।